हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो देखिए वर्स, आज मैं आपको एक कंस्ट्रक्शन साइट का किस तरह से वर्क चल रहा है उसके बारे में बताना चाहूँगा। ये करीब 20 कॉलम का ये घर है। एंड देखिए, आप वीडियो को शुरू से अंत तक बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है मे बी आप लोगों के लिए। और जब कॉलम फुटिंग होने के बाद कॉलम का जो बार बिठाते हैं ना, बार बिठाते वक्त किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए और उसको किस तरह से आप बैलेंसिंग कर सकते हैं, तो ये सब आपको इस वीडियो में जानकारी मिलेगा। कॉलम के अंदर कितना एमएम का रॉड इस्तेमाल किया गया और कितना नंबर ऑफ़ बार्स इस्तेमाल किया गया और अब तक कितना कॉस्ट हो चुका है, उनके बारे में मैं कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, सपोर्ट द चैनल टू रीच 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स ऑन यूट्यूब। प्लीज़ हेल्प मी टू रीच 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स ऑन यूट्यूब। और ये फर्स्ट हम बात करते हैं कॉलम के पिट में बारे में और डीप कितना गया है। देखिएगा, ये सॉइल जो है नॉर्मल टाइप का सॉइल है। यहाँ पर जैसे ये देख रहे हैं आप, थोड़ा सा रफ है या फिर थोड़ा सा स्ट्रांग है, पत्थर जैसा है। इधर जो है सॉइल है, यहाँ पर मुरम की तरह है। और ये जो पिट यहाँ पर एक्सकेवेट किया गया, 4x4 फीट का इसका पिट है। एंड डेप्थ जो है डिपेंड रहेगा, डेप्थ करीब 4 फीट 5 फीट जैसा, और लेयर नीचे जो कैसा रहता है ना उसके हिसाब से रहता है, समझ लीजिए। एंड इसके अंदर 12mm का 3 बार इस्तेमाल किया गया। अगर बीच में आ रहे तो वहाँ पर आप 16mm का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए यहाँ पर 12mm का जो है 6 रॉड है। और कौन सा ब्रांड देखिएगा, ब्रांड आपको यूज़ कर सकते हैं, राजूरी है, राजूरी स्टील्स, और दूसरा बहुत सारे अवेलेबल रहेगा उस तरह का, आप अवेलेबल कर सकते हैं जो लोकल मार्केट में। सभी बार्स अच्छे रहते हैं, थोड़ा बहुत कुछ एंड FE 400, FE 415 लेके FE 500 तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड इसके अंदर ये जो है पूरा इसको मैट, अभी फुटिंग, फर्स्ट फुटिंग हो चुका है ऑलरेडी। अब इसके बाद कॉलम का एक बार मार्किंग किया जाता है फुटिंग के ऊपर। यहाँ पर देख सकते हैं फुटिंग के ऊपर कॉलम का मार्किंग भी किया गया। और इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है कवरिंग। कवरिंग भी बहुत ही बढ़िया सा दिया गया, जैसे कि बढ़िया यानी कि करीब आपको 1.5 से 2 इंच तक कवरिंग दिया गया, ताकि अगर इन कुछ बाहर का जो एक्सटर्नल फोर्सेस रहते हैं या फिर एक्सटर्नल मॉइस्चर कंटेंट रहता है, वो रॉड के अंदर पूरा ना जा सके। और ये जो है 8mm का रॉड इस्तेमाल किया है यहाँ पर स्टिरअप्स परपोज। ये 8mm का है एट 6 इंच सेंटर टू सेंटर के हिसाब से, ओके। और इसके ग्रेड देखिएगा, यहाँ पर 1:2:4 या फिर 1:2:3 के हिसाब से, 1 part of cement, 2 part of sand और 3 part of aggregate इस्तेमाल करते हैं। M20 हम बोलते हैं, बट एक्चुअली M20 के हिसाब से यूज़ नहीं किया जाता, थोड़ा बहुत कुछ आगे पीछे हो ही जाता है। पानी का कंटेंट जो है आप कोशिश कर लीजिए सही तरीके से करने का। एंड वर्क भी बहुत ही बेहतर हो चुका है यहाँ पर। और एक चीज़, जब आप कॉलम के रॉड बिठाते हैं ना, सभी तरफ आप क्या करना है, इस तरह से कर लेना, समझ लीजिए। जैसे कि यहाँ पर चारों तरफ से बांधे गया, तो ताकि बैलेंस जो है, बहुत बैलेंसिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके लिए इस तरह का बड़े बड़े पत्थर इस्तेमाल किया जा सकता है। यहाँ पर देख रहे हैं आप, तो इस तरह का पत्थर इस्तेमाल करके आप अच्छी सही तरीके से बना सकते हैं, समझ लीजिए। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी। और देखते हैं किस तरह से शटरिंग का वर्क किया जा रहा है, वो भी एक बार हम चेक देखते हैं ऐसे। अगर कुछ पेटी बिठाने में आपको कोई दिक्कत रहा तो इस तरह का थोड़ा सा साइड के आप सॉइल भी निकाल के कंफर्टेबल वे में वर्क कर सकते हैं इस तरह का, जैसे कि यहाँ पर कर रहे हैं ना। और सॉइल अंदर थोड़ा बहुत कुछ दिक्कत होता है वर्क करने में, तो अंदर सॉइल नहीं जाना बोल के तो उसको थोड़ा सा सपोर्टिंग किया गया, जस्ट टेम्पररी।
एंड इसको कितना अभी फुटिंग फर्स्ट फुटिंग आप डालें कितना दिनों तक पानी पिलाना चाहिए इसको, करीब आपको वेट रखना चाहिए अच्छी तरीके से, एक 10 दिन तो अच्छा सा वेट रहना कम से कम। उसके बाद तो पानी थोड़ा बहुत को जब इसके इसको बैक फिलिंग जो है आप पत्थर से इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर ये भी मटेरियल डाल सकते हैं, डिपेंड रहेगा, बट इसके अंदर सॉइल ओके कोई प्रॉब्लम है डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है बैक फिलिंग करते से अच्छा सा वेट रखना। वेट रखा तो क्या है उसको क्यूरिंग सही तरीके से हो गए तो स्ट्रांग रहेगा आपका फुटिंग। एंड वहाँ पर जो वर्क चल रहा है शटरिंग का